बताया जा रहा है कि अज्ञात युवक ने उनके ऊपर हमला कर दिया। ब्रजमोहन अग्रवाल समेत बीजेपी कार्यकर्ता ऐसे में थाने पहुंच गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ऐसे में अगर जनसंपर्क पर निकलते हैं जनप्रतिनिधि और अगर वो ही सुरक्षित नहीं है, कोई भी आता है उन पर हमला कर देता है, तो ऐसे में इसको सुरक्षा में चूक ही करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि जनसंपर्क पर निकले थे ब्रजमोहन अग्रवाल और इसी दौरान पूरा घटनाक्रम हुआ। एक अज्ञात युवक आता है, उनके ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जैसे ही ये पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद थाने पहुंच गए ब्रजमोहन अग्रवाल। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, उस दौरान की तस्वीरें जब ब्रजमोहन अग्रवाल थाने पहुंचे और थाने का घेराव बीजेपी कार्यकर्ता समेत उन्होंने किया। कार्रवाई की मांग उनकी ओर से की जा रही है। लेकिन शायद आपको याद होगा कि जब तेलंगाना में सांसद के प्रभाकर रेड्डी पर हमला हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी नेताओं की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई थी। लेकिन अब सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई बावजूद इसके अगर किसी जनप्रतिनिधि पर हमला होता है तो सुरक्षा में इसे चूक ही करेंगे। और चलिए खबर पर अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ टिकेश वर्मा लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। टिकेश, किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर इस तरीके से हमला होता है तो सुरक्षा में इसे बड़ी चूक ही कहेंगे। फिलहाल क्या अपडेट, क्या कुछ कहना है कार्यकर्ताओं का, किसी पर शक जताया हो या फिर कार्रवाई की मांग तो कर ही रहे हैं? जी टिकेश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए ठीक है, टिकेश से हम फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए हैं और कार्रवाई की मांग जो है उनकी ओर से की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि रायपुर दक्षिण से फिर बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं ब्रजमोहन अग्रवाल। अपने जनसंपर्क में थे, उसी दौरान ये पूरा वारदात हुआ कि नहीं, कि निश्चित तौर पर वो बैजनाथ पारा में जनसंपर्क में निकले हुए थे, तभी कुछ अज्ञात लोग आते, उनका कॉलर पकड़ते और उनको कहीं ना कहीं हाथापाई करने की कोशिश करते। लेकिन गनीमत रही, उनके साथ जो पीएसओ थे, उनके साथ जो सुरक्षा बल थे, वो कहीं ना कहीं उनको दूर भगाने में कामयाब हुए, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद मस्जिद में ले जाकर के उनको रखा गया। तो तभी गनीमत वो पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल वहाँ से बाल बाल बचे हुए हैं। अब तमाम जो दल बल के साथ पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल यहाँ सिटी कोतवाली थाना पहुंचे और कहीं ना कहीं जो अपराधी जो मुलजिम है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत कर देंगे, क्या कुछ घटना हुआ था उस समय। माननीय ब्रजमोहन अग्रवाल जी जनसंपर्क करने के लिए निकले थे, बजनाथ पारा पे गए हुए थे, एजाज डेबर के आदमी लोग ने उनके साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज किया। जय श्री राम का नारा लग रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजय बनाने के लिए नारा लगाया जा रहा था। अगर लोकतंत्र देश हमारा है, अगर जय श्री राम का नारा लगाना कोई अपराध है, तो इनके अलावा जय श्री राम का नारा अगर हम लगाते, अगर इनको नागवारा गुजरता है तो ये अपना पाकिस्तान चले जाए। क्या कुछ मांगे अब है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जो अपराधी लोग हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो अपराधी है उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। साथ ही आपने सुना कि किस तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हुए जनसंपर्क में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल तमाम कार्यकर्ता ढोल बाजों के साथ निकले हुए थे, तभी अचानक ये हमला हुआ है। और साथ तौर पर इनका कहना है कि पूर्व जो यहाँ के महापौर है एजाज ढेबर, उनके द्वारा करवाया गया साथ तौर पर कार्यकर्ताओं का आरोप है। देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ अंदर से आश्वासन मिलता है और क्या कुछ आगे कार्रवाई किया जाता है। जी बिल्कुल। लेकिन टिकेश, हमने देखा था कुछ दिनों पहले नेताओं की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई थी ताकि कोई हमला ना हो, सुरक्षा में चूक ना हो। लेकिन अगर सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाती है उसके बाद भी ऐसा पूरा घटनाक्रम होता है तो ये क्या दर्शाता है? चलिए ठीक है, टिकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल पर हमला तो हुआ है, किसी अज्ञात युवक ने हमला किया। हालांकि पूरे मामले